Every day is a new day if you want to change your life. यदि आप अपना जीवन बदलना चाहें तो हर दिन एक नया दिन है. मैं एस के मिश्रा शार्प करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं. आज जो मैंने 15 सेंटेंस लिए हैं वो वाकई में ऐसे सेंटेंस हैं. पहली बात तो ये कि इससे अनेकों सेंटेंस बन सकते हैं जैसे भी आप चाहें. दूसरी बात ये कि अपने आप में ही बहुत अच्छे सेंटेंस हैं. अगर इन्हें याद कर लिया जाए फिर तो अंग्रेजी बोलना स्वाभाविक है. बिना बातों घबराना नहीं चाहिए. बिना बातों, कुछ लोग बिना ही बातों घबराते रहते. अवॉइड फीलिंग नर्वस फॉर नथिंग. बिना बातों घबराना ही नहीं चाहिए. छोड़ दीजिए घबराना, छोड़िए. अवॉइड फीलिंग नर्वस फॉर नथिंग. बिना बातों घबराने की क्या जरूरत है, घबराना नहीं चाहिए. चमचेबाजों से दूर रहो. चमचेबाजी करना आजकल, अगर कोई किसी पद पर है, ऊंचे पद पर है, तो जो नीचे के लोग हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वो हमेशा चमचेबाजी करते रहते हैं. चाहे बॉस देखने में कैसा ही हो, उसे खूबसूरत बताते रहेंगे, उसके ड्रेस की बड़ाई करते रहेंगे, उसकी बड़ाई करते रहते हैं फायदा उठाने को. चमचेबाजों से बचो. कीप अवे फ्रॉम द फ्लैटरर्स. फ्लैटरर्स माने चमचेबाज, जो चमचागिरी करते हैं, उन लोगों को फ्लैटरर्स कहते हैं. FLATTERERS फ्लैटरर्स. कीप अवे, दूर रहो. कीप अवे माने दूर रहो. फ्रॉम द फ्लैटरर्स. दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं. हम क्या करते हैं, दूसरों से कठोर व्यवहार करते हैं और चाहते हैं कि हमसे सब लोग मुलायम व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें. ऐसा नहीं होता है. दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा आप अपने लिए दूसरों से चाहते हैं. बिहेव विद अदर्स इन ए वे. दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें, इन द वे, इस प्रकार. यू विश विद योरसेल्फ, जैसा आप अपने लिए चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें. आप उससे कब और कहां मिले थे. आप उससे कब और कहां मिले थे, ये प्रश्न कितना कॉमन है. When and where, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. When माने कब, और कब भी इसका अर्थ होता है when का, और जब भी इसका अर्थ होता है. Where के भी दो अर्थ होते हैं, कहां और जहां. When and where did you meet her, तुम उससे कब और कहां मिले थे. वह आपके साथ कहां कहां गई. वह आपके साथ कहां कहां गई. अब जब कहां कहां का दो बार यूज होता है तो हम ये समझते हैं where where शब्द का यूज होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. वेयर शब्द अंग्रेजी में एक ही बार आएगा, वेयर वेयर नहीं आएगा. वेयर डिड शी गो विद यू, वो आपके साथ कहां कहां गई. पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस डिड के साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड थर्ड कभी नहीं. वेयर डिड शी गो विद यू, वो तुम्हारे साथ कहां कहां गई. मैंने दबी आवाज में उनसे नमस्कार किया. उससे नमस्कार मैंने दबी आवाज में किया, यानी धीमी आवाज में किया. आई विश्ड हर, नमस्कार किया. आई विश्ड हर इन सरप्राइज्ड वॉइस, दबी हुई आवाज. सरप्राइज्ड वॉइस, वॉइस माने आवाज, सरप्राइज्ड माने दबी हुई. दबी हुई आवाज में मैंने उनसे नमस्कार किया. ऐसा नाम मैंने पहली बार सुना है. अब कभी कभी ऐसे अजीब से नाम होते हैं जो आप पहली बार सुनते हैं, तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे. आई हैव कम अक्रॉस सच ए नेम फॉर द फर्स्ट टाइम. फॉर द फर्स्ट टाइम माने पहली बार. आई हैव कम अक्रॉस,
मेरी जानकारी में पहली बार आया है सच माने ऐसा ए नेम, एक नाम, ऐसा नाम मैंने पहली बार सुना है। अर्थ ये बेटा, तब आपने सबसे पहले क्या किया, तब आपने सबसे पहले क्या कहा, इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनेंगे। देन, देन, टी एच ई एन, देन माने तो। व्हाट डिड यू डू फर्स्ट, तुमने सबसे पहले क्या किया, और कहना है अगर आपको क्या कहा तो यहां पर डू की जगह से लगा दीजिए। देन व्हाट डिड यू से फर्स्ट, तो सबसे पहले आपने क्या कहा। यह सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई, यह सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई, या ये सुनते ही उसके तन बदन में आग लग गई, वो आग बबूला हो गया, तम तमा गया गुस्से से। सबकी अंग्रेजी यही बनेगी। देखें, हियरिंग दिस, यह सुनकर, ही वाज कट टू द क्विक, ही वाज कट टू द क्विक, यह सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई। हियरिंग दिस ही वाज कट टू द क्विक, यह सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई। प्रेजेंट पार्टिसिपल, हियरिंग दिस, यह बेईमान दुकानदार कम तोलता है। तो ये तो आपके रोजाना की बातें हैं कि कम तोलता है। दिस डिसऑनेस्ट, बेईमान जो ईमानदार ना हो, दिस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, दुकानदार, गिव्स शॉर्ट मेजर, शॉर्ट मेजर कम तोलता है, गिव्स शॉर्ट मेजर कम तोलता है। मेजर की स्पेलिंग है एम ई ए एस यू आर ई, शॉर्ट मेजर, गिव्स शॉर्ट मेजर कम तोलता है। यह दुकानदार मिलावटी वस्तुएं बेचता है, मिलावटी वस्तुएं, एडल्टरेटेड थिंग्स, एडल्टरेटेड थिंग्स, एडल्टरेटेड मिलावटी चीजें, ए डी यू एल, ए डी यू एल टी ई आर ए टी ई डी, एडल्टरेटेड। दिस शॉपकीपर, यह दुकानदार, सामने है दुकानदार, दिस शॉपकीपर सेल्स एडल्टरेटेड थिंग्स, ए डी यू एल टी ई आर ए टी ई डी, एडल्टरेटेड थिंग्स माने मिलावटी वस्तुएं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे गोली मार देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे वो गोली मार देगा। आपने सुना नहीं होगा ऐसा सेंटेंस, देखें इसको। इफ द वर्स्ट कम्स टू टू द वर्स्ट, इफ द वर्स्ट, डब्ल्यू ओ आर एस टी, इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। ही विल शूट मी, वो मुझे गोली मार देगा। इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, ही विल शूट मी, वो मुझे गोली मार देगा। मैं अपने कुत्ते को रात को खुला छोड़ देता हूं, मैं अपने कुत्ते को रात को खुला छोड़ देता हूं, ऐसा तो होता ही है। आई लेट माई डॉग लूज, एल डबल ओ एस ई, आई लेट माई डॉग लूज ड्यूरिंग द नाइट, रात में मैं क्या करता हूं, अपने कुत्ते को खुला छोड़ देता हूं। इसकी अंग्रेजी, आई लेट माई डॉग लूज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द नाइट, रात में, रात के समय के बीच में, रात के दौरान, ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान। यह जूता खूब चला, ये कमीज खूब चली, ये पैंट खूब चली, ये चश्मा खूब चला, ये मोबाइल खूब चला, क्या अंग्रेजी होगी। दिस पेयर ऑफ शूज वोर वेल, किसी के साथ में भी लगाया जा सकता है, वोर वेल, खूब चला। दिस पेयर ऑफ शूज, ये जूता, वोर वेल, खूब चला, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दिस पेयर ऑफ शूज वोर वेल, अब देखें, मुझे तो ये सूझा ही नहीं आ रही, मेरे तो दिमाग में ये बात नहीं आई, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आई ये बात,
ये आपने इशारा करा तो पता चली, मुझे तो सूझा ही नहीं है, दिमाग में नहीं आई। इट डिड नॉट अकर मी ओ डबल सी यू आर, इट डिड नॉट अकर मी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। इट डिड नॉट अकर मी, ये तो मुझे सूझा ही नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं आई। तो ये 15 सेंटेंस मैंने छांट के लिखे हैं जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी हैं। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।